हेलो, आज हमारा न्यूयॉर्क में सेकेंड डे है और कल हम लोग जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और एलिस आइलैंड गए तो वहाँ पर बहुत बहुत चलना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई। तो मुझे लगता है जब भी हम लोग प्लान बनाते हैं तो हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोग टायर्ड हो जाएंगे। अभी तो हम लोग की हालत इतनी ख़राब है, इतनी थकान लग रही है क्योंकि सबवे में जाओ, सबवे में ऊपर नीचे जाओ, सबवे दूसरी चेंज करो, फिर वहाँ से वो पता चलता है यहाँ नहीं, आपको बस में जाना है, तो काफ़ी आपको चलना पड़ता है यहाँ पे। तो आई थिंक उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज हम लोगों का थोड़ा सा प्रोग्राम मतलब हल्का ही बनाया है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखा है प्रोग्राम। और आई थिंक आई मैंशनड, आई डोंट नो इफ आई मैंशनड, हमने मेट्रो का एक कार्ड ले लिया था, उसमें अनलिमिटेड आप कहीं भी जा सकते हो, वो कार्ड दे देते हैं। मिनिमम 7 डेज का लेना होता है, हमने 7 डेज का ले लिया, $35। तो बस वो कार्ड स्वाइप करो, आपको फिर डायरेक्ट जाना चल मतलब आप ट्रैवल कर सकते हो और आप उसको बस में भी यूज़ कर सकते हो, तो वो काफ़ी मतलब इकोनॉमिकल पड़ जाता है। अभी हम लोग बस स्टॉप पर आए हुए हैं, हमें M2 बस लेनी है और ये M1 है। अभी एक और बस आ रही है, शायद वो हमारी हो, नहीं इस पे लिखा है नॉट इन सर्विस। ओके, ये दो दो तीन तीन बसें आई हैं लेकिन हमारी बस अभी नहीं आई, एक M1 आई है, ये कोई और है। ये बस अभी थोड़ी नीचे हो गई, मतलब वो हाइट में ऐसे नीचे हो गई ताकि कोई बुढ़ा आदमी चढ़ना चाहे तो। एक्चुअली जिन सीट पे मैं बैठी हूँ उस पे लिखा है प्रायोरिटी सेटिंग, इफ रिक्वेस्टेड यू मस्ट गिव दिस सीट टू द डिसेबल्ड। तो अभी यहाँ से 20 मिनट्स की जर्नी है, जैसा मैं बता रही थी कि इस पे लिखा हुआ है, पीछे भी लिखा है कि आपको अगर कोई मतलब प्रायोरिटी सीटिंग है ये अगर कोई मांगे तो आपको उठना पड़ेगा क्योंकि सीट पूरी बाकी खाली है इसलिए। और क्या नॉलेज सी वॉट इज़ देयर इन सेंट्रल पार्क। जब आप बस में चढ़ते हो तो यहाँ कंडक्टर नहीं होता है, तो आपको अपना जो भी कार्ड या पैसे वो जो बॉक्स बना है ना वहाँ पर डालना होता है और वहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, तो या दैट्स इट। और अगर आप मतलब नॉर्मली फिक्स्ड रेट होते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं आप दूर जा रहे हो तो कम ज़्यादा पैसे, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड है रेट। पर लिखा हुआ आ रहा है स्टॉप रिक्वेस्टेड, क्योंकि वो जो बटन है वो मैंने प्रेस कर दिया था क्योंकि अगला स्टॉप मेरा है, तो अब मतलब ड्राइवर को पता चल गया कि रोकना है, अदरवाइज़ भी अगर पैसेंजर्स हो तो वो रोकते ही हैं। तो अभी हम लोग उतरने वाले हैं, तो हम अपनी बस से उतर के अब सेंट्रल पार्क में घुस गए हैं। वेलकम टू सेंट्रल पार्क, नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, यस वी आर नॉट श्योर, स्कैन द कोड टू गेट अ कस्टमाइज्ड आइटिनरी, ओह दैट विल बी गुड, स्कैन कर लेते हैं और अपन को आइटिनरी मिल जाएगी। काफ़ी लोग अपने डॉग्स को वॉक कराने लाए हुए हैं क्योंकि सेंट्रल पार्क बहुत बड़ा है, तो हम लोग सोच रहे हैं ये ई बाइक ले लें तो इससे घूमा जा सकता है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कितना दूर चल सकती है, जैसे इस पे 7 माइल्स लिखा है, इस पे 4 माइल्स लिखा है, तो 36 माइल वाली बाइक चूज़ कर ली है और यहाँ अपना सामान रखा जाए। हो गई है और हमने पार्क कर दी है गाड़ी। ऑनेस्टली मैंने काफ़ी जो सेंट्रल पार्क एरिया है वो कार सॉरी नॉट कार साइकिल में ही कवर किया, तो बहुत शूटिंग तो नहीं कर पाई, बट इट्स मोस्टली लाइक दीज एरियाज, खुले खुले एरियाज हैं बहुत ही अच्छे। और अभी तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी मैं देख रही हूँ,
शायद टीचर्स वगैरह लाए हुए हैं और उनको खिला रहे हैं. सो या दैट वॉज प्रीटी मच. नाउ इट्स टाइम टू गो बैक. ये जो फूड ट्रक्स हैं ये हर जगह मिलते ही हैं यहाँ पर. अब अगली बस लेके वापस जाने का प्लान है. इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है नेक्स्ट स्टॉप ये है, अपकमिंग स्टॉप्स ये है सब कुछ. और यहाँ पर ना मतलब जब गाड़ी रुकती है तो टच करना पड़ता है. मैं पिछली बार जस्ट खड़ी रही थी और मैंने सोचा भाई ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है, फिर पता चला है टच करना पड़ता है तो फिर वो खुलता है. और ऑब्वियसली अंदर तो सब एयर कंडीशन ही होता है तो बिल्कुल भी ठंड गर्मी कुछ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया. Fifth Avenue and East 61st Street. This stop is Fifth Avenue and East 61st Street. Next stop. Famous Zara store. Yes. How do we go about getting? Start your day with koisa and coffee, okay? बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ है, छोटे छोटे सुंदर सुंदर से बने हुए हैं आइस टी कॉफी.